कहानीकार सरदार करतार सिंह दुग्गड़ होरां दी लिखी हुई कहानी है उपर दी आमदन। सोच सोच के उन्हां यही फैसला कीता कि ताए ज्वाले नूं अपने कोल बुला लिया जावे। होर कोई चारा नहीं सी, ताया वेला सी, सैर सपाटे दा शौकीन सी, खुश होके आ जाएगा। होर जो भी आया 3 महीने किसी ने उन्हां कोल नहीं बैठे रहना सी। सोमनाथ से उसकी श्रीमत जानकी अजीब जको तकी विच सन। एक तो सरकार ने उन्हां दी बदली बंगलौर दी कर दित्ती सी, पंजाबों सैकड़े मील दूर, ते हुण बंगलौर आए उन्हां नूं 6 महीने भी नहीं सन होए कि सोमनाथ नूं एक कोर्स करन लई गुवाहाटी जाना पै रहा सी। 3 महीने का कोर्स सी, पिछे उसकी श्रीमत ते बच्चा इकले होणगे। इन्नी वड्डी कोठी सी शहर दे बाहरवार, नौकर चाकर सन, पर फिर भी जनानी मोहानी जानकी 3 महीने इकल्या किवें कट लैंदी। मंगियाई दे दिन सन, चोरियां इन्नियां वध गईयां सन कि कीड़ियां वांग अगले गल वढ सुट दे। ते उन्हां चिट्ठी पा के ताए ज्वाले नूं सद लिया। उसकी गड्डी का भाड़ा ते होर राह दा खर्च उस नूं मनी आर्डर करके भेज दिता गया। ताए ज्वाले ने सुनिया ते झट तैयार हो पिया। सोमनाथ नूं उसने बच्चिया वांग पालिया सी। सोमनाथ दा प्यो तां उसनूं 5 साल दा छड के मर गया सी। ताए ज्वाले ने उसनूं पढ़ाया सी। पढ़ लिख के मुंडा जदों नौकर होया, ताए ने उसका विआह कीता। सोमनाथ ते अपने पुत्र कान सिंह विच ताए ज्वाले ने कदी वितकरा नहीं सी कीता। जदों दा नौकरी तो रिटायर होया, उंज भी ताया ज्वाला हर किसी की मदद लई तैयार रहिंदा, भावें कोई नातेदार होवे भावें ना होवे। ताया सारी उम्र पटवारी रहा सी। सैकड़े लोगों दियां खुबियां होईयां खेतियां उसने कढ़वाईयां सन, हजारां लई हेरा फेरियां कीतियां सन, लखां दे कम आया सी। अपने पिंड विच ताया ज्वाला पहला मुंडा सी जिसने मिडल पास कीती। मिडल पास कीती ते झट उसनूं नौकरी मिल गई सी। शुरू शुरू विच तां उठदा बैठदा वह नायब तहसीलदारी दे सुपने वेखदा रहिंदा, पर पूरे 40 साल वह नौकरी करके पटवारी ही रिटायर होया। हमेशा जदों उसकी तरक्की की गल तुरदी कोई ना कोई विघन पै जांदा। कदे कोई उसके खिलाफ शिकायत कर दिंदा कि वह वड्डी खांदा, कदे उसके अफसरां नूं शिकायत हुंदी कि वह उन्हां दी हिस्सा पत्ती ठीक ठीक उन्हां नूं नहीं पहुँचाउंदा सी। तरक्की ना होई तां की, ताए ज्वाले दी उपर दी आमदन तहसीलदार दी तनखाह जिन्नी सी। ताए ज्वाले नूं किसे गल दी कोई चिंता नहीं सी होई। एक गां सुकदी दूजी उसके कीले नाल कोई बन जांदा, एक मैं लत्त मारदी तां कोई होर लवेरी उसके बेड़े छड जांदा। डंगरां दे चारे नाल कोठड़ियां भरियां रहिंदियां, अनाज दियां बोरियां छत छत तक चढ़ियां हुंदियां, घिओ गुड़ ताज़ा सब्जी फल बजाजी हर चीज़ पटवारी दे घर तुरदी रहिंदी। ताए ज्वाले ने अपने हत्थी शायद ही कदे कच्ची कौडी खर्च कीती होवे। गरजमंद लोग हर चीज़ उसके घर पहुँचा जांदे। ताया ज्वाला भी काम आने वाला बंदा सी, जो आए सो राजी जाए। रिटायर होके भी ताया ज्वाला लोगों के काम करवाउंदा रहिंदा। ज़्यादातर अफसर उसके जान पछाण वाले सन, कई नाल रल के उसने रिश्वत खाधी सी। हुण भी जदों किसी दे जांदा ताए ज्वाले का हिस्सा उसनूं मिल जांदा। सोमनाथ ने जदों दी होश संभाली हमेशा ताए नाल झगड़दा कि उसनूं रिश्वत नहीं लैनी चाहीदी। ताया ज्वाला अगों हस छड़दा। पटवारी की तनखा 18 रुपए सी, इस तनखा विच किसी का गुजारा किवें हो सकता सी। 18 रुपए तो उसकी मैं महीने विच खा जाती सी। सोमनाथ सुनदा तो चुप हो जाता। होर सारे प्रबंध मैं कर दिते ने, एक उपर दी आमदन का इत्थे मैं तुहाडा इंतजाम नहीं कर सकिया।
स्टेशन तो ताए ज्वाले नूं लियांदे होए सोमनाथ ने रस्ते विच उस नूं छेड़िया सी। ताया ज्वाला खूब हसया, हसी जावे। अगले दिन ताए ज्वाले नूं सौम संपाणी करके सोमनाथ गुवाहाटी तुर गया। सोमनाथ नूं तुरे कोई 3 घंटे हुए होणगे कि उसका पंजाबी चपड़ासी दफ्तरों निजी डाक लैके आया। डाक अंदर जानकी नूं पहुँचा के ताया ज्वाला धुप विच बैठा चपड़ासी नाल गप्पां मारन लग पिया। चपड़ासी बड़ा परेशान सी, उसकी धी जवान हो गई सी ते अजे तक उसनूं कोई मुंडा नहीं मिलिया सी। इन्ने दूर बैठा वह किवें अपनी कुड़ी लई योग वर ढूंढे। चपड़ासी ते त्रीमत बीमार रहिंदी सी, उसनूं संग्रहणी हो गई सी। कोई कहिंदा बच जावेगी, कोई कहिंदा नहीं बचेगी। चपड़ासी कहिंदा जो कुछ होना होवे विचों कजिया मुके। उसकी बीमारी तो वह बड़ा आवाजार सी। फिर उधर दफ्तर विच मद्रासी बड़ा बाबू उसनूं साह नहीं सी लैण दिंदा। हुण उसकी दफ्तरी बनण की वारी सी ते हैड क्लर्क किसी होर की मदद कर रहा सी। चपड़ासी कहिंदा उसनूं पक्का यकीन सी कि बड़ा बाबू सोमनाथ दे वी कन्न भर देवेगा ते तरक्की किसी होर दी हो जावेगी। ताया ज्वाला चपड़ासी दीआं गल्लां सुन रहा, किन्ने चिर तों उसदे मूँह वल वेख उस दीआं अक्खां विच झाक रहा सी। फिर गल्लां करदे करदे वह बाहर कोठी दे फाटक तक निकल गए। फाटक दे बाहर चपड़ासी ते फाटक दे अंदर ताया ज्वाला ते फिर चपड़ासी दा हथ उसकी अपनी जेब विच गया। फिर उही हथ ताए ज्वाले दी मुट्ठी वल वध्या। गरीब चपड़ासी दा कंबदा हथ। फिर ताए ज्वाले ने फाटक बंद कर लिया। गर्म गर्म मुट्ठी, ताया ज्वाला धुप विच मोड़ा बैठा चटका लवाउण लग पिया। स्वाद स्वाद गुठुले ते धुप विच बैठे ताए ज्वाले दी अख लग गई। ए तुहाडी जेब विच की है, उस दिन नूं जानकी ने ताए ज्वाले तो पुछया। उंजी छिल्लड़ है, ताया ज्वाला साहोसा उठ खलोता। वह पसीनों पसीना हो रहा सी, सुपना सी। ताया ज्वाला सोमनाथ दे बच्चे नूं कुछड़ चुकी कोठी दे लान विच टहलण लग पिया। खाना मेज़ ते लग गया सी। ताए ज्वाले नूं नौकर आदर नाल सद के अंदर लै गया। दुपहर दे खाने तो बाद जानकी सौंदी सी, बच्चे ने भी सौं जाना सी। जानकी दी मर्जी सी कि ताया ज्वाला भी आराम कर लवे। मुड़ मुड़ो कहिंदी तुसी झट घड़ी चारपाई ते लक सीधा कर लवो। पर ताए ज्वाले नूं जिवें सौण दे ख्याल तो डर आ रहा होवे ते ओह बाहर निकल गया। सामने रेलवे लाइन दे उस पासे हाट लगा होया सी। ताया ज्वाला शाम तक घूमदा रहा। जदों मुड़िया तां ओह कुछ सब्जी कुछ फल ते सोमनाथ दे बच्चे लई इक खड़ौना खरीद लियाया। घर पुज्जा तां ताया जिवें लद्दिया होवे। ए तुसी कानू तकलीफ कीती है, मुड़ मुड़ जानकी कहिंदी। ओह तां हर रोज़ सवेरे मोटर ते बाज़ार जांदी सी ते अपने हत्थीं सब्जी फल आदि खरीद के लियांदी सी। फिर जानकी ने जिद करके ताए कोलों पूरा हिसाब लिया ते कौडी कौडी जिहड़ी ताए ने खर्च कीती सी उसनूं वापस मोड़ दित्ती। दसां दा नोट उंज दा उंज ताए ज्वाले दी जेब विच फिर आ गया। उस दिन तरकालां वेले जानकी ताए ज्वाले नूं उत्थों दा मंदर विखाउण तुर पए। मंदर कोई दूर नहीं सी, पैदल ही हो गए। मंदर तो बाहर जानकी ने बटुआ खोलिया ते अंदर मत्था टेकण लई 1 रुपया अपने लिए कढ़िया ते 1 चांदी दा रुपया ताए ज्वाले नूं दित्ता। सारा समा मंदर विच बैठा कीर्तन सुनदा रहा ते ताए ज्वाले नूं लगदा कोई चीज़ उसके सीने ते जिवें चुभ रही होवे। ये 10 दा नोट सी। मुड़ मुड़ ताया ज्वाला अपने मन नूं समझांदा अंदर दी जेब विच रखिया ये नोट सी। अजकल दे नोट किवें अकड़े हुए हुंदे हन। अगली सवेर सौं के उठिया तां ताए ज्वाले लई उर्दू दा अखबार उड़ीक रहा सी। सियाणी नूं ने पहलां ही इसका प्रबंध कर दिता सी।
ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਏ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਅਖਬਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤਾਇਆ। ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪੈਕਟ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਵੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਏ ਜਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਧੋਂਦਾ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਾਨਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਏ ਲਈ 6 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਣਵਾਏ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਬੀ ਕੋਲ ਧੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਨਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਇਆ ਜਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਦਾ ਅਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਧੋਬੀ ਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵੇਕਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਾਨਕੀ ਪੈਸਾ ਉਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨਕੀ ਆਪ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਖ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨਕੀ ਤਾਏ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਏ ਜਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਸੰਗਵੇਂ ਦਾ ਸੰਗਵਾਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤਾਇਆ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਰਪਾਈ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਨੋਟ ਤਾਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਇਆ ਜਵਾਲਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਦੀ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਨੋਟ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਘਰੋਂ ਉਚੇਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਏ ਜਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਜ਼ ਧੋਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਏ ਜਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਏ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੋਟ ਦੀ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਚੌਖਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੋਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤਾਏ ਜਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸਨੂੰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲਾ ਸੱਪ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡੰਗਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੋਥੜ ਕੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਨੋਟ ਸੀ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨੋਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਤਾਏ ਜਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਇਆ ਜਵਾਲਾ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਡਾਢਾ ਤੰਗ ਸੀ। ਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਮੁੜ ਉਸਦੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਇਆ ਜਵਾਲਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਾਟਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤਾਏ ਜਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੱਥ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਚਪੜਾਸੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੋੜ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਏ ਜਵਾਲੇ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭੀੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਫਾਟਕ ਉਸਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ।